प्रत्याशी डॉक्टर रामलाल शर्मा जी, मंशा सिंह भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, राजनीतिक हैसियत रखने वाले अनेक साथीगण हमारे साथ आज मंच के ऊपर रामदास जी की मदद के ऊपर आए हुए हैं, उनका सबका तो नाम नहीं लूंगा। सम्मानित मंच का ही नाम लूंगा, कोई रह ना जाए इलेक्शन के दौर पर मेरा कोई नाम। और यहाँ मेघनवा चौक पे महेंद्रगढ़ हल्के की आई हुई सरकारी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों और दोस्तों, जब भी मैं महेंद्रगढ़ के अंदर वोट मांगने आता हूं, छोटा बन करके आता हूं, क्योंकि महेंद्रगढ़ एक ऐसा हलका है जिसने कभी मुझे छोटा नहीं बनाया, हमेशा मेरी बात रखी है, मेरे को यहां से जिता करके भेजा है आगे से आगे वक्त के। और ये महेंद्रगढ़ का बड़प्पन है, महेंद्रगढ़ हल्के का बड़प्पन है जिसकी वजह से आपके बीच के अंदर आज मैं छोटा बन करके आप लोगों का सहयोग। और शुरू में मैं कह देना चाहता हूं, कई बार मैं भावुक होकर कई बार कह जाता हूं, दिल में होती है वो बात कह जाता हूं, तो लोग यूं ना महसूस करें कि इंद्रजीत सिंह के कहने का अर्थ कुछ और था, कह कुछ और रहा। शुरू में क्लियर कर देना चाहता हूं, तो मैं रामविलास शर्मा को, हालांकि ब्राह्मण है, रामविलास शर्मा को जनता का आशीर्वाद दिलवाने के लिए आया। अपना दर्द भी कहना चाहता, अपने घर में आया हूं, अपने कुलबे के आया हूं, जिन लोगों ने मुझे पलकों के ऊपर बिठाया है, उन लोगों के सामने अपनी बात की मैं रखने आया हूं। रामलाल शर्मा हरियाणा के सबसे पुराने राजनेता भारतीय जनता पार्टी, बुजुर्ग में वैसे बुजुर्ग तो नहीं, एक तो साल छोटे ही हूं मैं, इनसे बड़ा हूं मेरे साथ, लेकिन जो हरियाणा के जितने भी राजनेता हैं उनके अंदर पहला दूसरा नंबर हम दोनों का ही आता है नेता दिल के मामले में, दोनों इसी क्षेत्र के हैं। मैंने 35 साल निकाले कांग्रेस पार्टी के अंदर, रामविलास शर्मा जी ने निक्कर पहन करके 40 साल निकाले भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मेरे से सीनियर हैं। और कई बार मैं महसूस करता हूं कि जब आज से 6 साल पहले नरेंद्र भाई मोदी के साथ बातचीत करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल जब हुआ, तो रामविलास शर्मा जी से मेरी चर्चा नहीं हो पाई। और पिछले दिनों के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद मेरे को टिकट दे दी पार्टी ने, मैं लोकसभा का चुनाव गुड़गांव से लड़ने लगा, रामविलास जी घर बना रहे थे गुड़गांव के अंदर, रहते भी वहीं थे। अब इतनी तो मेरे में बुद्धि नहीं थी जितनी शर्मा जी की है,
20-25 साल की पहले कोई मिला होगा उसका नाम याद रहता है। लेकिन 6 साल पुरानी बात मैं नहीं भूला कि मेरे इलेक्शनों के दौरान रामविलास शर्मा जी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़े भारी पार्टी के नेता। मैं 3 लाख से चुनाव जीता लेकिन रामविलास जी एक भी दिन मेरे लिए प्रचार करने के लिए गुड़गांव के अंदर नहीं गए। आज खुलकर के बात कर रहा हूं, उन्होंने पहले कह दिया मेरा इरादा क्या है, लेकिन सबको बात मालूम होनी चाहिए ये भी मेरा इरादा है। मैं स्पष्ट बात हूं, और जब मैं इलेक्शन जीत गया, विधानसभा का चुनाव उसके बाद हुआ, 4-5 महीने अक्टूबर के अंदर जैसे अब होने लग रहा है, तो उस टाइम के ऊपर हरियाणा चुनाव हुआ और पार्टी के अंदर दे चिट्ठी, पता नहीं कभी कोई भेज देता, कभी कोई भेज देता, इंद्रजीत सिंह को रामविलास जी के यहाँ भेजो, इंद्रजीत सिंह को रामविलास जी के यहाँ भेजो, महेंद्रगढ़ से जीते 3 बार मैं महेंद्रगढ़ के अंदर रामविलास जी के लिए आया। कुछ पार्टी का भेजा उड़ाया, कुछ डांसिंग को हराने के लिए आया। लेकिन मैं आया ये जीते भी पार्टी का, पार्टी की सूची बोल रही थी, आदमी बोल रही, लेकिन मुझे आज भी ये बात सताती है कि इंद्रजीत सिंह की इतनी शिकायतें क्यों हुई। और मैं आज आपके बीच कर लाकर के ये कहना चाहता हूं कि रामदास जी हमारे बड़े पुराने नेता हैं, आज भी हम इनको जिता देंगे, नरेंद्र भाई मोदी का नाम इनको जिता देगा, लेकिन शर्मा जी निवेदन ये है कि जो लोग आपको जिताते हैं उनका ख्याल बात के अंदर आपको जरूर रखना चाहिए। एक दिन का वाक्य सुनाता हूं, शर्मा जी मशहूर है टाइम से लेट आते, इंद्रजीत सिंह मशहूर है टाइम पे आते, कहीं तो मेल होना चाहिए। एक दिन मैं महेंद्रगढ़ आया हुआ था किसी कार्यकर्ता के कार्यक्रम के अंदर, और शर्मा जी का टेलीफोन आया, इंद्रजीत मेरे घर चलो, मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूं, जाके बैठते। मैंने कहा कहीं आसपास ही होंगे, इनके भाई साहब भी जिंदा थे उस टाइम के ऊपर, तो मैं इनके घर बैठा रहा, 5 मिनट होगी, 10 मिनट होगी, 1 घंटा हो गया, मैं टेलीफोन तो करो कहाँ सीखे, तो सोनी बहुत पहुंच गया अभी आने वाला। अब ये जो बातें हैं ये आपसे नहीं बताऊं तो मेरे को पीड़ा होती है, ये मैं ना बताऊं तो मैं आपको किस हक से वोट मांगूंगा, ये फिर साफ होगा जिनको मांगूंगा। और मैं आज आपको यूं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर स्थापित करने के अंदर सबसे ज्यादा मशक्कत अगर किसी शख्स ने करी है तो रामविलास शर्मा ने। आज मैं इन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने लग रही है, कोई 5 दिन पहले आया था, कोई 5-7 साल पहले मेरे जैसा आया था, लेकिन ये शुरू से बीजेपी के अंदर रहे हैं।
और कहने वाले जब टिकटों के वितरण हुए, कम से कम हमारी बड़ी पार्टी इतनी हो गई 18 करोड़ जिसके सदस्य हो गए, इतनी बड़ी पार्टी के तो बड़ा मंथन होता है। टिकट दिलाने वाला कौन होता है जहाँ किसी और को लगता है कि इसने हमारी कटवा दी, इसने हमारी कटवा दी। तो मेरा सबसे पहले आता है तो इसने इसकी कटवा दी, इसकी कटवा दी, इसकी कटवा दी। तो मैं किसी के टिकट कटवाने की बात नहीं कहना चाहता। बड़ी पार्टी है और सभी बड़े नेता जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट और भाई कोई आगे इसको ही चला इसी बात को तो चीफ मिनिस्टर भी कोई सीधी बात है। आज हम इस सरकार को बनाने के लिए यहां एकजुट हुए, दोबारा बनाने के। हरियाणा सरकार ने 5 साल बहुत बड़े बड़े काम किए, 2 वहां शख्स नौकरियों देने वाले यहां बैठे मौजूद आए हैं मंच के। अब वो बात दूसरी है कि पहले नंबर लगा करते थे इंटरव्यू के, अब नंबर नहीं मिलते। लेकिन जो ये 5 साल गए हैं इनके अंदर इनका योगदान इस इलाके को नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा से पूरा पूरा किया बच्चों को यहाँ पर नौकरी। लेकिन आप 5 साल पहले याद करो, इतिहास का पलटो, कितने बीजेपी के एमएलए हुआ करते थे विधानसभा के अंदर, किसी को याद है? 2 कभी 4 डॉक्टर मंगल सैन के टाइम के वो 16 या 17 हुआ करते थे। बाबू जी की वजारत हुई जब कांग्रेस से पार्टी होकर के वो निकले तो उस टाइम के अंदर 16 हुआ करते थे, उनमें से डॉक्टर मंगल सैन भी हुआ करते थे, पंडित रामदास शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। लेकिन पिछले 15-20 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर एमएलए घटते रहे, धूप रहा टिकते वास्तविकता गलत तो नहीं कह। और फिर एक दिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया कि नरेंद्र भाई मोदी को बतौर प्राइम मिनिस्टर तजवीज कर दो, पब्लिक मान गए। 13 सितंबर को नरेंद्र भाई मोदी का नाम हुआ, 15 को पहला जलसा नरेंद्र भाई मोदी का रिवाड़ी के अंदर हुआ और बाकी जैसे कहते कि इतिहास है, इतिहास रचा हुआ। जिस पार्टी को कभी भी हरियाणा के अंदर सत्तासीन होने का मौका अपनी शक्ति के मार्फत नहीं हुआ, जो पार्टी हिंदुस्तान के अंदर कभी अपने बल बूते के ऊपर मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाई, 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर 283 सीट लेकर के जनता के आशीर्वाद से दिल्ली के अंदर सरकार बनाई और नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने। और जो मेरे से बुजुर्ग बैठे हैं या मेरे से जवान भी हैं और जो इतिहास के अंदर रुचि रखते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इतिहास के फंदे आजादी के बाद तक के पलटो। हिंदुस्तान आजाद हुआ 72 साल हो गए, सरकारें अनेक बनी, कांग्रेस की सरकार बार बार बनी, 1 बार 2 बार 3 बार भी बनी लगातार, लेकिन कोई भी सरकार आज तक की जो कांग्रेस पार्टी की बनी हो, जब वो दूसरी बार बनी या तीसरी बार बनी तो भारत मेजोरिटी के साथ बनी, अपर मेजोरिटी के साथ नहीं, उनके तले की जमीन खिसकती रही, लेकिन 87 होते रहे।
इतिहास जब रचा गया कि भारतीय जनता पार्टी जिसने 283 सीट सन 14 के अंदर ली थी, 19 के अंदर 303 ली, मतलब 283 की सीमा ना करके पहली बार अव्वल मतों से लोगों ने एक सरकार को सराहा। और नतीजा क्या हुआ, इसका फलस्वरूप क्या निकला, जिस हरियाणा के अंदर 2 एमएलए हुआ करते थे, 37 एमएलए अपने आप के तौर के ऊपर हरियाणा के अंदर जनता के अंदर बना करके थी। और जब 283 मतों से दिल्ली में सरकार बनी और 47 हरियाणा में बनी, वही मोमेंटम आज चल रहा है, बल्कि उससे अव्वल मोमेंटम आज के दिन चल रहा है। जब 303 सीट दिल्ली की पार्लियामेंट में होंगी तो क्या 47 से कम हरियाणा के अंदर मिल सकती, और 46 में मेजोरिटी होगी, आपको भी पता है। तो जब हमारी सरकार बनने जा रही है, देश में बन चुकी है, अनेक धाराओं का यहां जिक्र हुआ, 370 का हुआ, मैं तो कहता हूं कि यहां पर बगल के अंदर दादरी का एक टीम गए थे, सखी सेंटर है, उसकी शाखा मैंने रिवाड़ी में भी खुलवा दी। जो 303 जानता है, बेटी की नौकरी वाला तो हर एक जानता है, लेकिन और भी जानते हैं जिनके कुलबे वालों ने बेटी की नौकरी करी हो, कि 303 एक ऐसी भारी भरकम गोली है, किसी के लग जाए तो उसकी खैर नहीं। और ये जो आप लोगों ने 303 की गोली, 303 की गोली नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में दे दी, ऐसी उन्होंने ट्रिगर दाबा, ये धारा 370 की छाती में दिल में जाकर के 6 बजे हटा दिया, 370 37 से हटा दिया। जिन लोगों के बच्चे सुहाग बुजुर्ग भयभीत होकर के जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर जाया करते थे, 2-2, 3-3 हफ्ते हफ्ते भर उनके घरों के अंदर चूल्हा नहीं जला करता था, ये क्या मालूम वापस लौटेंगे भी कि नहीं, और लौटेंगे तो किस सूरत में लौटेंगे। आज उनके दिल से ये है इस आपकी बनाई सरकार में निकाल। और मैं यूं कहना चाहता हूं कि आज देश का नेता एक है, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आज जो भी बन रही है सरकारें नरेंद्र भाई मोदी की साया में बन रही है। 5 साल तक नरेंद्र भाई मोदी आज देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, और भाई मैं उनकी वजारत के अंदर वजीर रहूंगा। और इसलिए इस वजीर के नाते, उनके दूत के नाते, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर बड़े अच्छे अच्छे काम हुए, पंडित जी ने गिनाए होंगे, मुख्यमंत्री जी आए उन्होंने अनेक गिनाए होंगे, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार को ओवर टाइम काम करता है, उन्होंने खूब गिनाए होंगे। लेकिन एक बात आपको मैं कह देता हूँ, हरियाणा के अंदर जो सरकार बनेगी आपके खिलाफ कोई और इंद्रजीत सिंह नहीं होने देगा, आपका चौकीदार है। जब तक भले काम होंगे रामबला शर्मा का साथ दूंगा, और जिस दिन भले काम से ये उतर गया तो इसके खिलाफ भी होगा। हमारी नीयत साफ है, ईमान साफ है, और आज 35 साल रा कांग्रेस के और 6 साल भारतीय जनता पार्टी के, आज मैं यूं कह सकता हूं कि मेरा ईमान कायम है। आज देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए मैं कहना चाहता हूं, आने वाली नस्लों के लिए कहना चाहता हूं कि शर्मा जी आप मेरे इलेक्शन में तो नहीं आए, मैं आपके इलेक्शन में आया क्योंकि मैं देश की और प्रदेश की भलाई चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप यहां से हार जाओ, और मैं नहीं चाहता कि दान सिंह यहां से जीत जाए। पर अगली बार जब हम आपसे कुछ कहें तो समय पे आ जाया करो।
सरकार में आपको मंत्री बनाया है, इतना सीनियर, तो हमारे काम को सिरे चला दिया गया। और बोलो भाई अगर ये मंजूर करे तो वोट दे देना, बोले शर्मा जी है मंजूर, तो भाई इनको वोट देना है मंजूर।